हेलो दोस्तों, गोई टेक्निकस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डीजीपी ने अपना अगस्त महीने का कमीशन रिलीज कर दिया है। जैसा कि आप सभी बीएलई भाइयों को पता ही है कि डीजीपी ने काफ़ी समय से अपना कमीशन नहीं भेजा था, आखिर जाकर अब अगस्त महीने का कमीशन भेजा है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि सीएससी की तरफ से हमें किस तरह हमें पैसे भेजे गए हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे करूंगा एक गुजारिश, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिखाई देने वाली घंटी को भी जरूर प्रेस कर लें। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग खोल लेंगे, क्योंकि मेरा अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और मेरा अकाउंट डीजीपी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दिया हुआ है। तो पहले सबसे पहले हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग खोल लेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग खोल लिया, और आप देख रहे होंगे कि मुझे 23 तारीख को यानी कि आज ही को एक ट्रांजेक्शन हुई है मेरे अकाउंट में। 23 अक्टूबर 2017 वायर ट्रांसफर नेफ्ट के जरिए मुझे ये पैसे आए हैं दोस्तों। ये देख लो, एक्सिस बैंक की ओर से आपको ये पैसे आए होंगे, सीएसई गवर्नमेंट, और मुझे 66 रुपीज़ आए हैं दोस्तों आज की डेट में, आज ही आए हैं दोस्तों। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मुझे आज ये पैसे आ गए हैं दोस्तों, ये कमीशन मुझे आज आ गया है। आप भी जल्दी से जल्दी चेक कर लें, अगर आपके अकाउंट में भी ये कमीशन नहीं आया तो आप जल्दी से जल्दी सीएससी से बात करें कि हमारा कमीशन अभी तक नहीं आया, क्योंकि आज ही बीएलई भाइयों का, सभी बीएलई भाइयों का कमीशन आ गया है। मुझे उम्मीद है आप सभी को भी, सभी का भी ये कमीशन आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो जब पसंद आई हो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी भी आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बीएलई भाइयों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।